भारत वर्सेस साउथ अफ्रीका के दूसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय खिलाड़ियों ने जीत लिया पहले ही दिन मुकाबला। भारत ने पहले दिन जीता दूसरा टेस्ट मैच, जिसको खुद आप लोग अपनी आंखों से देखिएगा। लाइव हाईलाइट रोमांचक मुकाबला आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं कि किस तरीके से हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल और विराट कोहली, रिंकू सिंह ने घातक विस्फोटक बल्लेबाजी से साउथ अफ्रीका के सरजमी पर जाकर के उनको पवेलियन का रास्ता दिखाया और रवाड़ा का तो ऐसा कवाड़ा कर दिया कि शायद वो अपनी लाइफ में कभी ऐसा सोच नहीं पाएगा, क्योंकि रवाड़ा के 6 गेंदों पर 6 छक्के रोहित शर्मा ने जड़ दिए, क्योंकि वो पहले से ही काफी ज्यादा बौखलाए थे। क्योंकि रवाड़ा ने पहले टेस्ट मुकाबले में कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा को 2 बार आउट किया, 1 बार 4 बॉल पर, 1 बार 3 बॉल पर। तो रोहित शर्मा काफी ज्यादा गुस्से में खेल रहे थे और रोहित शर्मा रवाड़ा के 1 ओवर में 6 छक्के जड़ दिए, जहां पर युवराज सिंह, क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी ने खुद यहां पर रोहित शर्मा और विराट कोहली को सलाम ठोका और यहां पर 90 साल का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। यहां पर इतनी तगड़ी जीत की है टेस्ट मुकाबले में भारतीय ने दूसरे टेस्ट मुकाबले में साउथ अफ्रीका के खिलाफ कि पहले टेस्ट मुकाबला तो समझ लो उसके बराबर तो कभी आ ही नहीं सकता। आप सभी को लाइव दिखाएंगे कि किस तरीके से घातक विस्फोटक बल्लेबाजी की विराट कोहली और हिटमैन रोहित शर्मा ने, जहां पर भारतीय टीम के दिग्गजों ने दोहरे तेरह तेरह शतक जड़ करके इतिहास में अपना नाम रोशन किया और आज से 90 साल पहले तक का रिकॉर्ड तोड़ दिया। भारत ने पहले ही दिन जीत लिया दूसरा टेस्ट मैच, आपको लाइव दिखाने जा रहे हैं, बट वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखते रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि आप लोग सही समय पर सही न्यूज देख पाए। क्रिकेट से जुड़ी जानकारी हमेशा इस चैनल पर मिलती रहेगी, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। भारत वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच पहले टेस्ट मुकाबले में काफी भारतीय टीम का खराब प्रदर्शन रहा, कोई खास अच्छी बल्लेबाजी गेंदबाजी नहीं रही, जहां पर भारतीय टीम को काफी बुरी हार मिली। वो सब आपको पता है, मैंने पहले वीडियो बताया था। अब मैं आपको बता दूं कि दूसरे टेस्ट मुकाबले के लिए कप्तान रोहित शर्मा ने प्लेइंग 11 में काफी खुकार विस्फोटक बल्लेबाजों की वापसी की थी, उसकी वजह से भारतीय टीम ने मुकाबला जीती है। लेकिन रोहित शर्मा ने अपने गुस्से को निकाल करके काफी खतरनाक विस्फोटक तरीके से बल्लेबाजी की, जहां पर हिटमैन रोहित शर्मा और विराट कोहली ने दोहरे शतक जड़कर के इतिहास में नाम रोशन किया और पहला टेस्ट दूसरा टेस्ट मुकाबला किस तरीके से जीता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। भारत वर्सेस साउथ अफ्रीका के दूसरे टेस्ट में जब टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुम्बा ने जीती, जहां पर उन्होंने पहले गेंदबाजी चुनी और बल्लेबाजी का न्योता हमारी भारतीय टीम के कप्तान को दिया। भारतीय टीम के कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल की तरह सबसे पहले बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे और लगातार पहले टेस्ट मुकाबले की तरह रवाड़ा भी गेंदबाजी करने के लिए सबसे पहले मैदान में उतरा। रवाड़ा ने सोचा कि पहले टेस्ट के मुकाबले की तरह हम रोहित शर्मा को यहां पर 3 से 4 गेंदों में पवेलियन का रास्ता दिखा देंगे, लेकिन यहां पर रवाड़ा की गलती उसी पर हावी हो गई। रवाड़ा के पहले ओवर पर 6 छक्के जड़ दिए, जहां पर रवाड़ा का ऐसा कबाड़ा हुआ वो लाइफ में कभी नहीं सोच सकता था। रवाड़ा की आज तक का रिकॉर्ड रहा है कि किसी ने 6 बॉल पर 6 छक्के नहीं जड़ पाए, लेकिन आज रिकॉर्ड वो टूट चुका है। हिटमैन रोहित शर्मा ने पहले ही ओवर पर 36 रन बना दिए, जहां पर हिटमैन रोहित शर्मा की तारीफ देशों में क्या विदेशों में भी हो रही है। हिटमैन रोहित शर्मा और विराट कोहली यशस्वी जायसवाल का लाइव वीडियो आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं कि किस तरीके से विराट कोहली और यशस्वी जायसवाल रोहित शर्मा ने घातक विस्फोटक बल्लेबाजी की। जैसे ही रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में आए, साउथ अफ्रीका के गेंदबाज मैदान में बॉबी कटीली विस्फोटक खातर खतरनाक गेंदबाजी करने के लिए आए, जहां पर हमारे भारतीय टीम के बल्लेबाज रोहित शर्मा ने काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। साउथ अफ्रीका का अच्छा से अच्छा गेंदबाज हिटमैन रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल के आगे पहले ओवर में पानी भरता हुआ नजर आया। दूसरा ओवर डालने के लिए जो है दिग्गज खिलाड़ी साउथ अफ्रीका के स्पिनर गेंदबाज मैदान में जब आए तो उनकी भी धज्जियां उड़ाकर रख दी यशस्वी जायसवाल ने और उनकी बॉल पर 6 बॉल पर 21 रन ठोक डाले। यशस्वी जायसवाल भी काफी खतरनाक अच्छी लय में चल रहे थे। साउथ अफ्रीका के खिलाफ यशस्वी जायसवाल ने 77 रन की नाबाद पारी खेली, महज 10 ओवर में 77 रन की अकेले ही नाबाद पारी खेल डाली। अगर हिटमैन रोहित शर्मा की बात करें तो उन्होंने 10 ओवर के अंदर तो 70 से 80 रन ठोक चुके थे। अब मैं आपको बता दूं कि रोहित शर्मा ताबड़तोड़ तरीके से बल्लेबाजी कर ही रहे थे, उनके साथ साथ यशस्वी जायसवाल भी कर रहे थे, लेकिन यशस्वी जायसवाल 77 रन बनाकर के पवेलियन का रास्ता देख गए रवाड़ा की लगभग 11वें ओवर की 4थी बॉल पर। लेकिन यहां पर अभी मैदान पर अपना पैर जमाए हुए थे रोहित शर्मा ताबड़तोड़ तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे और साउथ अफ्रीका के ओर के धूल चढ़ा रहे थे। साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों को कुछ समझ में आ रहा है कि आखिरकार यहां पर हो क्या रहा है। ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर यहां पर हर कोई हैरान था, लेकिन यशस्वी जायसवाल के आउट होने के बाद यहां पर हिटमैन रोहित शर्मा का साथ देने के लिए सूर्य कुमार यादव जैसे खुकार विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर आए। सूर्य कुमार यादव की वापसी रोहित शर्मा ने कर ली थी प्लेइंग 11 में, क्योंकि जानते थे कि सूर्य कुमार यादव काफी खुकार विस्फोटक बल्लेबाज है, अगर वो एक बार मैदान पर टिक गया तो अकेले 200-250 रन बनाने की क्षमता रखता है। ऐसा साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज और गेंदबाजों को भी पता था, टेम्बा बावुम्बा को खूब पता था, इसलिए टेम्बा बावुम्बा ने जब सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी करने के लिए आए तो उसने रवाड़ा जैसे घातक खुकार विस्फोटक गेंदबाजों को मैदान भेजा। लेकिन रवाड़ा ने ऐसा सोचा था कि सूर्य कुमार यादव मेरे पहले ही 1 ओवर में 30 रन बना देगा, क्योंकि यहां पर 3-4 छक्के 2 चौके जड़ दिए, जहां पर साउथ अफ्रीका के खिलाफ रवाड़ा के 1 ओवर में
जो भारतीय टीम के दिग्गज बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, जहां पर लगभग हिटमैन रोहित शर्मा का भी यहां पर जो है रिकॉर्ड तोड़ दिया, क्योंकि यहां पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की रोहित शर्मा का साथ देते हुए सूर्य कुमार यादव ने काफी विस्फोटक बल्लेबाजी की। इन दोनों की सलामी जोड़ी काफी देर तक काम करती रही। साउथ अफ्रीका के अच्छे से अच्छे गेंदबाज यही सोच रहे थे कि आखिरकार कैसे रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव जैसे खूंखार विस्फोटक गेंदबाज बल्लेबाजों को आउट किया जाए, लेकिन ये धाकड़ दोनों बल्लेबाज मैदान पर डटे हुए थे और घातक तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि महज 51 रन बना के सूर्य कुमार यादव आउट हो गए, लेकिन सूर्य कुमार यादव ने महज, मैं आपको बता दूं, 16 गेंदों में 51 रन ठोक डाले, जहां पे कातिलाना विस्फोटक बल्लेबाजी की और साउथ अफ्रीका के परखच्चे उड़ा दिए। सूर्य कुमार यादव ने अपनी तरफ से कोई भी कसर नहीं छोड़ी और काफी अच्छी बल्लेबाजी की, जहां पर रोहित शर्मा ने सूर्य कुमार यादव का कंधा थपथपाया और कहा आप काफी बेहतरीन बल्लेबाज हो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जैसे ही भारतीय टीम की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले विराट कोहली मैदान में आए, रोहित शर्मा के समझो और उड़ान भर गई। रोहित शर्मा और विराट कोहली का जब बल्ला चला तो साउथ अफ्रीका के गेंदबाज हैरान हो गए, क्योंकि यहां पर साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक ऐसा विराट कोहली ने कमबैक किया कि कोई भी वो लाइफ में सोच नहीं सकता है। विराट कोहली के मैदान में आते ही साउथ अफ्रीका के परखच्चे उड़ने लगे। साउथ अफ्रीका के अच्छे से अच्छे बाद विराट कोहली और रोहित शर्मा के आगे पानी भरते नजर आ रहे थे, क्योंकि रोहित शर्मा और विराट कोहली अगर एक बार मैदान पर टिक गए, इनकी जोड़ी चल गई, तो अकेले ही ये दो बंदे लगभग 600-700 रन बनाने की क्षमता रखते हैं। और यहां पर ऐसा ही हुआ, क्योंकि अब विराट कोहली ताबड़तोड़ तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे और 44वें ओवर में रवाड़ा की जो है परखच्चे उड़ाकर रख दिए। यहां पर मैं आप सभी को बता दूं कि दिग्गज से दिग्गज गेंदबाज साउथ अफ्रीका के गेंदबाजी करने आ रहे थे। मैं आप सभी को बता दूं कि विराट कोहली अकेले मैदान पर डटे हुए थे, जहां पर उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और 235 रन की नाबाद पारी खेल डाली। विराट कोहली ने दोहरा शतक जड़ करके और यहां पर रोहित शर्मा 13 शतक जड़ करके नाबाद पारी खेली। यहां पर अकेले दोनों बंदों ने 600 रन ठोक डाले, जहां पर अगर सभी रन मिलाए तो 800 रन बन गए थे टेस्ट मुकाबले में, जहां पर साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो है काफी बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया। विराट कोहली, यशस्वी जायसवाल, सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा और दिग्गज खुखार विस्फोटक बल्लेबाजों ने काफी अच्छा प्रदर्शन दिखाया और साउथ अफ्रीका की टीम काफी ज्यादा कांप गई। फिर साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज मैदान पर जब बल्लेबाजी करने के लिए आए तो हमारे भारतीय टीम की तरफ से रविंद्र जडेजा काफी खुखार विस्फोटक गेंदबाजी करने के लिए आए, जहां पर एक ओवर जो है मिडिल ओवर चला गया, साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों ने एक भी रन नहीं बना पाया। आप सभी को बता दूं, साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज काफी ताबड़तोड़ तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन उन्हें भारतीय खिलाड़ियों की गेंदें समझ में नहीं आ रही थी। रविंद्र जडेजा, समी सिराज, बुमराह ने काफी कातिलाना विस्फोटक गेंदबाजी कराई, जहां पर साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज हैरान थे कि आखिरकार बॉल लग क्यों नहीं है, बैट पर क्यों नहीं आ रही है। एक तरफ साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा वावुम्बा भावुक हो गए जब उन्होंने देखा कि भारतीय टीम का स्कोर इतना हाई है और साउथ अफ्रीका का टीम लग रहा था कि 100 रन नहीं बना पाएगी और पूरी की पूरी 15 ओवरों के अंदर क्लीन बोल्ड हो जाएगी, क्योंकि समी जैसे खुखार विस्फोटक की वापसी की थी रोहित शर्मा ने। समी ने काफी कातिलाना विस्फोटक गेंदबाजी कराई, एक ओवर में 2 विकेट चटकाए और सिर्फ 4 रन दिए। यहां पर साउथ अफ्रीका के दो बल्लेबाज ऐसे थे जो मैदान पर डटे रहे और टिके रहे, हटने का नाम नहीं ले रहे थे, जिन्होंने काफी अच्छे पैर जमाए थे और उन्होंने दोनों लोगों ने मिलकर 210 रन की नाबाद पारी खेल डाली, जो हटने का नाम ही नहीं ले रहे थे। समी, बुमराह, जडेजा, दिग्गज से दिग्गज खिलाड़ी सिराज भी हैरान थे। लेकिन फिर सिराज के एक ओवर में ऐसा हुआ 31वें ओवर में कि उस व्यक्ति का यानी कि साउथ अफ्रीका खिलाड़ी का विकेट चला गया और साउथ अफ्रीका खिलाड़ी वहीं पर ढेर हो गया, उसको भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। साउथ अफ्रीका की जब जोड़ी टूटी तो वहां पर तड़पत-तड़ जो है रविंद्र जडेजा ने 2-3 विकेट लिए, जहां पर समी ने 5 विकेट, सिराज ने 3 विकेट, जडेजा ने 4 विकेट और बुमराह ने 6 विकेट चटकाए। यहां पर साउथ अफ्रीका को एक एक करके पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम की जो है दूसरे टेस्ट मुकाबले में इतनी तगड़ी जीत हुई है जहां साउथ अफ्रीका कभी भी सोच नहीं सकता है। साउथ अफ्रीका के हार के बाद टेम्बा वावुम्बा ने जो है कप्तान रोहित शर्मा को सलाम किया और कहा कि आप बेहतरीन बल्लेबाज हैं और एक हिटमैन कप्तान भी हैं। एक तरफ विराट कोहली को भी काफी ज्यादा सराहना दिया, लेकिन मैं आपको बता दूं टेम्बा वावुम्बा भावुक भी हो गए थे हारने के बाद और उन्होंने कहा कि आपने 90 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, इतनी ताबड़तोड़ तरीके से बल्लेबाजी की, इतने स्कोर से आज तक कभी ने साउथ अफ्रीका को नहीं हराया। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी ने भी खड़े होकर इनको सलाम किया और कहा कि आप बेहतरीन बल्लेबाज हैं, वर्ल्ड कप में आप जीत जाते, आपसे थोड़ी बहुत गलती हो गई थी, लेकिन मैं आपको बता दूं उन्होंने कहा अगर आप ऐसे खेलते रहे तो आप 2027 में वर्ल्ड कप की ट्रॉफी हमारे देश के लिए जरूर लाएंगे। फिलहाल हमारी यही राय है कि आप बेहतरीन खेलते हो, रिंकू सिंह जैसे, सूर्य कुमार यादव जैसे घातक विस्फोटक बल्लेबाज आपके हमेशा साथ रहेंगे तो आपकी जीत निश्चित है। समी और सिराज बुमराह में आप किसे बेहतरीन गेंदबाज मानते हैं हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए और विराट रोहित शर्मा में किसे बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अब फिलहाल ये मुकाबला जो है 3 जनवरी को खेला जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।